हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक हैंडबैग लेकर आई हूँ, या शोल्डर बैग कह लीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कलर कॉम्बिनेशन, और इसमें हमने यहाँ पर एक पॉकेट दी है। आप देख सकते हैं, एक पॉकेट हमारी यहाँ पर है, और इसको बंद करेंगे तो दूसरी पॉकेट हमारी यहाँ पर है। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला है। इसकी वॉल आप देख रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप में है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 12x14 टू पीस क्विल्टेड, 6x12 टू पीस क्विल्टेड, 6x14 वन पीस क्विल्टेड, 12x14 वन पीस लाइनिंग, 26 इंच वन पीस बेल्ट, 14 इंच टू जिप टू रनर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 12x14 इंच का पीस लेंगे, 3 इंच डाउन जाएंगे, निशान लगाएंगे, कट करेंगे, और इसमें एक जिप लगा देंगे। सेंटर निकालेंगे, ये 14 है, ये हमारा 7 सेंटर है। सेंटर से 3 इंच इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच इधर निशान लगाएंगे, 2 इंच डाउन जाएंगे, इसमें एक नेक का शेप देंगे। शेप देने के बाद इस पर हम मशीन चला लेंगे, इसको कट कर देंगे। और जो हमारे पास 26 इंच की बेल्ट थी, उसको हम यहाँ लगा देंगे। इसको तैयार करने के बाद दूसरा पीस लेंगे, सेम प्रोसीजर में 3 इंच डाउन जाएंगे, कट करेंगे और जिप रनर डाल देंगे। इसके बाद इसमें 12x14 इंच की लाइनिंग लगा देंगे, इसको पीछे से पूरा कवर कर देंगे। ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए। अब हम लेंगे 6x12 इंच के दोनों पीस, इसमें मेजरमेंट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, निशान लगा है, हमने 6 इंच पर पूरा लिया है, और दूसरी तरफ इस पर 3 इंच पर सेंटर निकाला है। सेंटर को इस 6 से मिला करके ये ट्रायंगुलर शेप दे दिया है दोनों पीस में। अब इसको कट करने से पहले ये जो शेप दिया है, इस पर हम मशीन चलाएंगे। इस तरह से कट करने से पहले मशीन चलाने पर उसकी जो एज है, जो काटी जाती है, उसके धागे नहीं निकलते हैं। इस तरह से इसको तैयार करने के बाद अब एक 12x14 इंच का पीस लेंगे, और इसको हम यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे। अब ये जो इसकी लेंथ है, ये बढ़ गई होगी, क्योंकि हमने इसको ट्रायंगुलर शेप दिया, तो इसको हम ऊपर से जोड़ेंगे, नीचे से नहीं जोड़ेंगे। ऊपर से जोड़ने पे जो शेप हमें चाहिए वो मिल जाएगा, जो बाद में जो बढ़ा हुआ है उसको हम बाद में कट कर देंगे। जहाँ पर जिप है वहाँ मैंने डबल मशीन चलाई है, और हर जगह डबल मशीन चलेगी।
अब ये जो ट्रायंगलर शेप है इसको अब इस पीस में जोड़ेंगे, ऊपर से बराबर रखते हुए इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। अब ये जो नीचे 6 इंच वाला जो ट्रायंगुलर शेप था, ये जो बड़ा हुआ है, इसको अब हम कट कर देंगे। इसको ऐसे लेवल में ला के कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद अब ये जो ऊपर हमने नेक काटा था यहाँ पर, बेल्ट को अंदर से सीधा कर लेंगे, थोड़ा साइड में खिसका देंगे बेल्ट को। और ये जो 14 इंच का एरिया है, ये तो ट्रायंगुलर हमने यहाँ पे ट्रायंगुलर लगा दिया, अब ये जो 14 इंच का एरिया है इसको यहाँ से यहाँ यहाँ सिल के ले आएंगे। बेल्ट हमारी अंदर सीधी होनी चाहिए। इसको कट कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पर 6x14 इंच का जो पीस है उसको लेंगे, और इसमें एक साइड पर जो 6 इंच है अभी इसको नहीं सिलेंगे, 14 6 14 केवल 3 साइड में जोड़ेंगे। इसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ये हमने बॉटम जोड़ लिया है, और ये जो 6 इंच का खुला एरिया है हमारे पास, यहाँ से हम पूरा बैग बाहर निकालेंगे। सारे कॉर्नर अच्छी तरह से निकाल लें। अब ये जो एरिया है 6 इंच का, इसको हल्का सा जितना सिलाई में अंदर जाता है या गया है उतना अंदर मोड़ते हुए इसको ऊपर से मशीन चला देंगे। ये हमारा पैक हो गया। अब जो दूसरी तरफ का 6 इंच का एरिया है उस पर भी बाहर से मशीन चला देंगे। अब ये जो 14 इंच का एरिया है इस पर भी मशीन चला देंगे, और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। ये देखिए, एक हैंडल का, ओनली वन हैंडल, और ये बैग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें हमने यहाँ पर एक, ये हमारी फुल पॉकेट आएगी, इस तरह से पूरी खुल जाएगी, बहुत आराम से हम सामान रख सकते हैं। और एक पॉकेट हमने यहाँ पर दी है जिसमें हमको सिंगल पॉकेट इस तरह से मिलेगी फ्लैट, बीच में हमने कोई भी आज जिप नहीं दी है, एक हैंडल का बनाया है। और ये जो बैग है सारी लेडीज़ के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। तो इस तरह से ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन वाले बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।